एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 2 दैट इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि इसके पिछले वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मेरे चैनल मैथमेटिक्स फार्म पे जाके उसको विजिट करिए, सारी वीडियोस आपको लाइन से मिल जाएंगी। ओके, सो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ड्रॉइंग्स ए टू डी शोज 2 × 1/5, 2 × 1/2, 3 × 2/3, 3 × 1/4। आपको ये बताना है ये जो ड्रॉइंग्स दी गई हुई हैं, ये क्या शो कर रही है, ये इनमें से किसको शो कर रही है, आपको ये बताना है। पहला है 2 × 1/5। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है हमें वो बताता है कि किसी कंप्लीट थिंग का कितना पार्ट हुआ है। देखिए यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे आप ड्रॉइंग में देखिए कि इस ड्रॉइंग में आपको 5 पार्ट्स मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 3 पार्ट्स है पहले ड्रॉइंग में, सेकेंड ड्रॉइंग में 2 पार्ट्स है, थर्ड ड्रॉइंग में 1, 2, 3, 4 पार्ट्स है एंड फोर्थ ड्रॉइंग में 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे आपको 5 पार्ट्स मिल रहे हैं। ये देखिए 5 डिनोमिनेटर में 5 है, मतलब एक कंप्लीट थिंग का 5 पार्ट हुआ है। और उसके बाद ये 2 क्या शो कर रहा है, ये देखिए 1/5। 1/5 का क्या मतलब है कि कोई एक पार्ट यहाँ पे शेडेड है, तो एक ही पार्ट है ना, एक पार्ट कितने में से, 5 पार्ट में से, एक पार्ट 5 पार्ट में से शेडेड है। टोटल 5 पार्ट है, शेडेड कितना है 1 पार्ट, यहां पे भी कोई एक पार्ट शेडेड है 5 पार्ट में से। तो यहाँ पे ये 2 जो है ये शो कर रहा है कि ऐसे 2 फिगर्स हैं। कितने फिगर्स हैं? ऐसे 2 फिगर्स हैं जो 1/5 को शो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 ही फिगर है तो 2 × 1/5। ये जो 1/5 और 1/5 यहाँ पे लिखा है, इसको आप लिख सकते हो 2 × 1/5। ओके, देखिए 2 बार लिखा है ना, तो एक बार और 2 बार, यहां मैंने 2 लिख दिया, 2 × 1/5 करोगे तब भी आपको यही चीज मिलेगी। ओके, 1/5 इज इक्वल्स टू 2 × 1/5, या फिर आप इसी को लिख सकते हो, ये इक्वल टू होगा जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, 1/5 + 1/5, तब भी आपको यही सेम थिंग मिलेगी। सॉल्व कर लीजिए क्या आएगा, 2 × 1/5 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई 2 × 2/5, 2/5 आ रहा है ना, और वही अगर आप 1/5 + 1/5 करोगे तब आपको क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर सेम है 5 आ जाएगा और ऊपर का 1 + 1 = 2 हो जाएगा। देखिए दोनों से सेम चीजें आ रही हैं, सो आप इसको 2 × 1/5 लिख सकते हो और 1/5 + 1/5 लिख सकते हो। तो जो ये डी वाला फिगर है, ये जो डी वाली ड्रॉइंग है, ये किसको शो कर रही है, ये फर्स्ट वाले को शो कर रही है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे कि डी ड्रॉइंग शोज फर्स्ट। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है वैसे 2 × 1/5, ये इसी को शो कर रही है। ओके, सेकेंड इज 2 × 1/2। अब आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर में 2 है, मतलब कोई ऐसा कंप्लीट थिंग जिसका 2 पार्ट हुआ हो, कहाँ पे है, यहाँ पे 3 पार्ट्स है, यहाँ पे है 2 पार्ट्स, इसका मतलब ये वाली ड्रॉइंग है। और ऐसे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ऐसे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके 2 पार्ट हुए हैं और एक पार्ट शेडेड है। 1 का क्या मतलब है कि 2 में से एक पार्ट शेडेड है। सो दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/2। 1 पार्ट शेडेड है 2 पार्ट में से, 1 पार्ट शेडेड है 2 पार्ट में से, तो आप इसको लिख सकते हो 2 × 1/2। तो ये जो आपका बी वाला ड्रॉइंग है ये इसको शो कर रहा है, समझ आया। नाउ थर्ड इज 3 × 2/3। डिनोमिनेटर में देखिए 3 पार्ट है, इसका मतलब किसी एक कंप्लीट थिंग का यहाँ पे 3 पार्ट किया हुआ है। कहाँ पे है 3 पार्ट, 1, 2, 3 यही वाला है। और ऐसे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका 3 पार्ट किया गया है, ये देखिए 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 1, 2, 3 ये भी मिल गया। और कितने पार्ट शेडेड है, 2 पार्ट, 3 में से 2 पार्ट शेडेड है। देखिए 3 में से 1, 2, 3 पार्ट थे और इसमें 2 पार्ट शेडेड है, यहाँ भी 3 पार्ट थे 2 पार्ट शेडेड है, यहाँ भी 3 पार्ट है 2 पार्ट शेडेड है। ऐसे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें 2 पार्ट शेडेड है 3 पार्ट्स में से। इसका मतलब ये जो ए वाला है, ए वाला जो ड्राइंग है वो इसको शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3, ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3
टू बाई थ्री, देखिए थ्री टाइम्स है वन टू थ्री, तो थ्री टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, थ्री मल्टीप्लाई बाई टू बाई थ्री। ओके नाउ सी पार्ट क्या कह रहा है, ये वाला देखिए, थ्री इंटू वन बाई फोर, ऐसा फिगर जिसमें आपको एक कंप्लीट थिंग का फोर पार्ट दिख रहा हो, ऐसा कहां पे है, यहां पे है, देखिए कंप्लीट थिंग का वन टू थ्री फोर, और कितने पार्ट शेडेड है, वन पार्ट, यहाँ पे वन ही पार्ट शेडेड है, इसका मतलब ये, इस ये वाला जो फिगर है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसे कितने ऑब्जेक्ट्स है, थ्री ऑब्जेक्ट्स, वन टू थ्री, चलिए ये वन बाई फोर है, फोर पार्ट में से वन पार्ट शेडेड है, यहां भी वन बाई फोर है और यहां भी वन बाई फोर है, हम इसको लिख सकते हैं ऐसा कितनी बार हुआ है, थ्री बार, तो थ्री टाइम्स वन बाई फोर। ओके तो ये वाला जो ड्राइंग है ये इसको शो कर रहा है, थ्री इंटू वन बाई फोर को, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर, इन तीनों को एड कर दीजिए तब भी यही सेम आंसर आएगा, उसी तरीके से जैसे यहाँ पे थ्री इंटू टू बाई थ्री किया था, इसका आंसर सेम आएगा जब इन तीनों को आप ऐड कर दोगे, टू बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री। ओके दोनों का आंसर सेम आएगा, आप चाहे करके देख लीजिए, एंड यहाँ पे भी आप लिख सकते हो इसको, जैसे टू इंटू वन बाई टू लिखा उसी तरीके से यहाँ पे हाफ प्लस हाफ, ये दोनों को एड कर देंगे तब भी वही सेम आंसर आएगा। देख लीजिए पहले वाले में यहाँ थ्री से थ्री कैंसल आउट हो गया, बचा कितना, टू। जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ थ्री इंटू टू बाई थ्री को, तो थ्री से थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ बचा कितना, टू। उसी तरीके से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में थ्री है, देख लीजिए मैं सॉल्व कर देती हूँ, डिनोमिनेटर में थ्री है और ऊपर क्या है, टू प्लस टू प्लस टू, मतलब टू टू फोर टू सिक्स, सिक्स बाई थ्री आ जाएगा, सिंप्लीफाई, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, फिर भी आपको क्या आया, टू ही आया, तो यहां से भी टू आ रहा है, यहां से भी टू आ रहा है, तो चाहे आप इसको इस तरीके से लिखिए, चाहे आप इसको इस तरीके से लिखिए, दोनों केस में आंसर क्या आएगा, टू आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे टू अंजा टू, टू अंजा टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आया, वन आया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर पे टू है, ऊपर वन प्लस वन एड हो जाएगा, यहाँ पे वन प्लस वन हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, टू अपॉन टू, टू टू कैंसिल हो जाएगा, टू वन जा टू, टू वन जा टू, आंसर क्या आ गया, वन। सो आंसर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, वन। ऐसा कैसे आया, ऐसा जब आप टू इंटू वन बाई टू करोगे तब भी वन आएगा, या फिर इन दोनों को एड कर दो तब भी वही सेम आंसर आएगा, हम इसको इस दो फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ इस वाले को तो मैंने देख ही लिया है कि दोनों में सेम आंसर कैसे आ रहा है, टू बाई फाइव, इसको देख लेते हैं, थ्री इंटू वन बाई फोर है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, थ्री बाई फोर, देखिए थ्री वन जो थ्री एंड डिवाइड में फोर है, उसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में फोर है, ऊपर का वन प्लस वन प्लस वन एड हो जाएगा क्या, थ्री बाई फोर, तो यहां से भी थ्री बाई फोर आ रहा है और यहां से भी थ्री बाई फोर आ रहा है, इसका मतलब चाहे आप इस डायग्राम को इस फॉर्म में लिखिए या इस फॉर्म में लिखिए, आंसर सेम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको पूछ रहा था कि कौन सा ड्रॉइंग ए से डी में किसको शो कर रहा था, किसको शो कर रहा है, तो आप लोगों ने बता दिया कि ये वाला जो डायग्राम है ये इसको शो कर रहा है, यहां मैंने लिख दिया थ्री इंटू टू बाई थ्री। बी वाला जो डायग्राम है वो किसको शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है टू इंटू वन बाई टू को। एंड जो सी वाला डायग्राम है वो किसको शो कर रहा है, थ्री इंटू वन बाई फोर, इसको शो कर रहा है। एंड जो डी वाला डायग्राम है वो किसको शो कर रहा है, टू इंटू वन बाई फाइव, किसको शो कर रहा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, सम पिक्चर्स ए टू सी, आपको ए टू सी में, देखिए ए बी सी मतलब ए टू सी में कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, टेल विच ऑफ देम शो, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्या शो कर रहा है, ये आपको थ्री पार्ट्स में दिया हुआ है, थ्री इंटू वन बाई फाइव इज इक्वल थ्री बाई फाइव, टू इंटू वन बाई थ्री इज इक्वल टू बाई थ्री, थ्री इंटू थ्री बाई फोर इज इक्वल टू टू होल वन बाई फोर, आपको बताना है कि ये जो पिक्चर्स है ये इनमें से क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कौन से वाले को रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नंबर फर्स्ट है, यहां देखिए वन टू थ्री, थ्री पार्ट है, थ्री पार्ट में से वन पार्ट शेडेड है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, वन बाई थ्री लिख सकते हैं ना, थ्री पार्ट टोटल है, टोटल में से वन पार्ट शेडेड है, वन बाई थ्री,
उसी तरीके से इसको भी आप 1/3 लिख सकते हो। तो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, ये भी इक्वल टू मैंने भी लगाया और यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है 2/3। अब मैंने इसके पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया था कि कभी भी आपको 1/3 मिले तो आप इसको लिख सकते हो 2 times 1/3 लिख सकते हो ना, 1 time 2 time 2 time आया है 1/3 तो 2 times का मतलब मल्टीप्लाई, 2 multiplied by 1/3 या फिर इसी को आप लिख सकते हो 1/3 plus 1/3 दोनों, या तो दोनों को ऐड कर दो तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, चाहे आप 2 times 1/3 कर दो चाहे 1/3 plus 1/3 कर दो, दोनों का आंसर क्या आने वाला है ये देखिए 2 into 2/3 आएगा, क्या आएगा 2 into 2/3। इसको भी सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में 3 है, ऊपर का ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2/3। तो देखिए जब मैंने इसको सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है 2 into 1/3 किया तो आपको क्या मिल रहा है 2/3। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है 2 into 1/3 इज इक्वल टू 2/3 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब जो ए वाला पार्ट है ये इसको शो कर रहा है, सेकेंड वाले को शो कर रहा है। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो ए पार्ट, यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ ए पार्ट, ये जो ए वाला पार्ट है ए पार्ट शोज क्या, शोज सेकेंड, ए पार्ट शोज सेकेंड, समझ गए, जो ए वाला पार्ट है वो सेकेंड नंबर को शो कर रहा है। नाउ सेकेंड, सेकेंड में क्या है, कितने पार्ट्स है 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट शेडेड है तो इसका होगा 3/4, उसी तरीके से यहाँ भी होगा 3/4, यहाँ भी होगा 3/4 और इन तीनों को जब आप कंबाइन करोगे तो आप इसको लिख सकते हो 3 times 3/4 लिख सकते हो ना, या फिर आप तीनों को ऐड कर दो तब भी बात वही है 3 times 3/4। ओके नाउ अब इक्वल टू के बाद क्या लगा है, इक्वल टू के बाद देखिए ये पूरा 1 complete, 1 complete का मतलब 4/4, क्या आप इसको 4/4 लिख सकते हो, 4 parts में से 4 part shaded है मतलब 4/4 और 4/4 का क्या मतलब होता है 1, इसको भी आप 4/4 लिख सकते हो, लिख लीजिए ये वाला, और इसको क्या लिख सकते हो, ये है 1/4 तो यहाँ पे है 1/4। ओके इन तीनों को ऐड कर दीजिए, चाहे आप ऐड करिए या फिर आप तीनों को मल्टीप्लाई कैसे, मतलब जैसे मैंने बताया ये दोनों 4/4 है तो ये 2 times 4/4 हो जाएगा प्लस 1/4, इन तीनों को जो है करिए तो जो आंसर आएगा और इन तीनों को ऐड करने पे जो आंसर आएगा, चलिए मैच करते हैं क्या आ रहा है, 3 times 3/4 चाहे आप इसको लिखिए या फिर तीनों को ऐड कर दीजिए, जैसे 3/4 plus 3/4 plus 3/4 क्या आंसर आएगा, इधर का, इधर का आएगा 3 3 9/4, क्या आएगा 9/4, ये तो आ रहा है आपके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। और ये 9/4 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे देखिए ये है 4/4, इसको आप 1 लिख सकते हो फिर प्लस 1 and plus 1/4, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1 ऐड हो जाएगा 2 2 plus 1/4 आएगा, इसको लिख सकते हो 4, इसका एलसीएम ले लीजिए तो 4 और 1 का एलसीएम 4, 1 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 4 आएगा 4 बार तो 4 2 जा 8 और प्लस 4 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 4 आएगा 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 1 1 जा 1 कितना आ गया 9/4, देखिए यहाँ भी 9/4 आ रहा है और इधर भी 9/4 आ रहा है, वो तो आएगा ही। अब इसको आप जो है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 9 को 4 से डिवाइड करिए, 4 2 जा 8 कैरी आया 1, इसको आप लिख सकते हो रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इधर लिखा जाता है और जो कोशेंट में आता है वो आगे लिखा जाता है, तो ये है 2 whole 1/4, ये देखिए आप, ये लेफ्ट हैंड साइड का मैंने सॉल्व किया है, ये राइट हैंड साइड का सॉल्व किया है, दोनों में आंसर 9/4 आ रहा है, इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 9/4। ओके सो दिस इज योर आंसर 2 2 whole 1/4। चलिए देखते हैं कहाँ पे है, ये है देखिए 3 into 3/4 जब आपने किया, इसका मतलब है ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है,
इसको तो मैंने यही सॉल्व कर लिया। ये देखिए थ्री है, थ्री इंटू थ्री बाई फोर जब आपने किया, वन टू थ्री फोर, फोर पार्ट में से थ्री पार्ट शेडेड था, यहाँ पे देखिए फोर पार्ट में से थ्री पार्ट शेडेड है, और ऐसा कितनी कितने मतलब ऐसे फिगर में हुआ है, ऐसे थ्री फिगर में हुआ है, देखिए थ्री थ्री टाइम्स ऐसा हुआ है, मतलब ऐसे तीन फिगर थे जिसमें तीन पार्ट शेडेड था फोर पार्ट में से, हाँ यहाँ पे है। फिर उसके बाद ये इज इक्वल्स टू आ रहा है टू होल, होल का मतलब है कि दो फिगर पूरा कंप्लीट शेडेड है, यहाँ देखिए दो फिगर पूरा कंप्लीट शेडेड है, और फिर यहाँ पे क्या है वन बाय फोर। ये तो मैंने इतना कैलकुलेशन कर दिया है ताकि आप देख के भी बता सकते हो। नाउ सी पार्ट देखिए, सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट में ये है वन बाय फाइव, देखिए ये क्या शो कर रहा है वन बाय फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पार्ट में से वन पार्ट शेडेड है, यहाँ भी वन बाय फाइव और यहाँ भी वन बाय फाइव, इन तीनों को जब आप लिख सकते हो वन बाय फाइव थ्री टाइम्स वन बाय फाइव, क्योंकि ऐसा थ्री टाइम्स हुआ है तो आप इसको थ्री टाइम्स वन बाय फाइव लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या है वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पार्ट में से थ्री पार्ट शेडेड है, तो देखिए थ्री इंटू वन बाय फाइव इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब जो सी पार्ट है ये फर्स्ट को शो कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए बी पार्ट शोज, बी पार्ट किसको शो कर रहा है, थर्ड वाले को लिख लीजिए, बी पार्ट शोज थर्ड, जो बी पार्ट है वो थर्ड को शो कर रहा है, और एंड जो सी पार्ट है वो वन को शो कर रहा है, लिख लीजिए सी पार्ट शोज वन, ओके। आपको ये सब कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख के ही बता सकते हो, थ्री इंटू थ्री बाई फोर, थ्री फिगर कलर है, फोर फिगर में से ऐसे तीन फिगर है देखिए, और फिर इक्वल टू आ रहा है टू कंप्लीट टू होल, ऐसे देखिए टू टू फिगर्स कलर्ड है एंड वन बाई फोर यहाँ पे शेडेड है ना। सो यही है आपका आंसर, इसका ये है, ये भी देख के पता चल रहा है कि वन बाई थ्री, वन बाई थ्री इसका मतलब है टू इंटू वन बाई थ्री, इस साइड ये इज इक्वल्स टू होगा टू बाई थ्री के, यहां से भी कंप्लीट हो रहा है, और सी पार्ट जो है वन बाई फाइव, वन बाई फाइव, वन बाई फाइव, इसका मतलब है थ्री इंटू वन बाई फाइव, और ये किसके इक्वल है, ये थ्री बाई फाइव के इक्वल होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इन टू अ मिक्स फ्रैक्शन। आपको ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इनको रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में, रिड्यूस करने का मतलब है इनको सिंप्लीफाई करना है, जब तक ये सिंप्लीफाई हो पाए, जब तक ये अपने लोएस्ट टर्म में ना आ जाए तब तक आपको इनको रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाई करना है एंड कन्वर्ट इन टू अ मिक्स फ्रैक्शन। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए करते हैं, नंबर फर्स्ट, सेवन इंटू थ्री बाय फाइव, सेवन को डिवाइड बाय वन लिख सकते हो, क्या यहाँ पे कुछ कैंसल आउट हो रहा है, थ्री की टेबल में फाइव नहीं आता, फाइव की टेबल में थ्री नहीं आता, फाइव की टेबल में सेवन नहीं आता, सेवन की टेबल में फाइव नहीं आता, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दीजिए, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन डिवाइड बाई फाइव, बट ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है, आपको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो 21 को 5 से डिवाइड करिए, 5 फोर जा 20, रिमाइंडर आया 1, इसको आप लिख सकते हो रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, और यहां पे लिखते हैं क्वेश्चन, तो हो जाएगा 4 होल 1 बाई 5, 4 होल 1 बाई 5। नाउ सेकेंड इज, सेकेंड क्वेश्चन है 4 इंटू 1 बाई 3, यहाँ पे 4 को 4 बाई 1 लिख सकती हो, यहाँ पे भी कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, 3 की टेबल 4 नहीं आता, 4 की टेबल में 3 नहीं आता, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराइए, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 4 को 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, रिमाइंडर आया 1, इसका आंसर होगा रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, और ये जो क्वेश्चन है ये आगे आ जाता है, तो हो जाएगा वन होल वन बाय थ्री, वन होल वन बाय थ्री। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इज टू इंटू
सिक्स बाई सेवन, यहाँ पे टू को टू बाई वन लिख सकते हो। यहाँ पे भी कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, टू की टेबल में सेवन नहीं आता, सिक्स की टेबल में सेवन नहीं आता, है ना, कुछ भी नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है। सो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, सिक्स टू जा ट्वेल्व अपॉन सेवन वन जा सेवन, बट ट्वेल्व बाई सेवन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है। सेवन से डिवाइड करिए, सेवन वन जा सेवन, रिमाइंडर आया फाइव, तो आप इसको लिख सकते हो रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर फाइव अपॉन सेवन, और यहां पे क्या हो जाएगा क्वोशेंट वन। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, वन होल फाइव बाय सेवन। नाउ फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में है फाइव इंटू टू बाय नाइन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फाइव को फाइव बाय वन लिख लीजिए, कोई किसी की टेबल से कैंसल आउट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दीजिए, फाइव टू जार टेन डिवाइड बाई नाइन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, नाइन वन जा नाइन, रिमाइंडर आया वन, सो इसको लिख सकते हैं वन बाई नाइन, है ना, ये रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, और ये जो क्वोशेंट है ये आगे आ जाता है, तो हो जाएगा वन होल वन बाई नाइन, दिस इज द आंसर। नाउ फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, फिफ्थ पार्ट में क्या है टू बाई थ्री इंटू फोर, फोर को फोर डिवाइड बाय वन लिख सकते हो, यहां पे भी कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराइए, फोर टू जा एट थ्री वन जा थ्री, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, थ्री टू जा सिक्स कैरी आया टू, इसको क्या लिख सकते हो टू अपॉन थ्री रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, और जो क्वोशेंट में है ये आगे आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा टू होल टू बाय थ्री, ये होल पार्ट है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट है, तो टू होल टू बाय थ्री। नाउ सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट में क्या है फाइव बाई टू इंटू सिक्स, फाइव बाई टू इंटू सिक्स, सिक्स को आप सिक्स बाय वन लिख सकते हो, यहां देखिए क्या कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, हाँ हो रहा है, टू की टेबल टू से सिक्स कट रहा है, टू की टेबल में सिक्स आता है, चलिए टू वन जा टू एंड टू थ्री जा सिक्स, आप कुछ भी नहीं कट रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दीजिए, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, और डिवाइड बाई क्या आएगा वन, सो डिवाइड बाई वन लिखने की जरूरत नहीं है, ओके सो आंसर इज फिफ्टीन। नाउ सेवेंथ, सेवेंथ में क्या है इलेवन इंटू फोर बाय सेवन, इसमें इलेवन को इलेवन बाई वन लिख सकते हो, क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराइए, इलेवन फोर जा फोर्टी फोर एंड सेवन वन जा सेवन, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, सेवन की टेबल पढ़िए कि इससे ज्यादा ना हो, तो सेवन सिक्स जा फोर्टी टू, कितना आया रिमाइंडर टू, तो आप इसको लिख सकते हो रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर टू अपॉन सेवन, एंड क्वेश्चन क्या था सिक्स, दिस इज योर आंसर। नाउ एट्थ पार्ट, एट्थ पार्ट में क्या है ट्वेंटी इंटू फोर बाई फाइव, ट्वेंटी को ट्वेंटी बाई वन लिख सकते हो, क्या इसमें कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, हाँ फाइव की टेबल में फाइव आता है और फाइव की टेबल में ट्वेंटी भी आता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइव वन जा फाइव, फाइव फोर जा ट्वेंटी, अब कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराइए ऊपर ऊपर का, तो फोर फोर जा सिक्सटीन, और नीचे डिवाइड रिमाइंडर सॉरी डिनोमिनेटर में क्या आएगा वन वन जा वन, तो डिनोमिनेटर में वन लिखने की जरूरत नहीं है, तो 16 इज योर आंसर। नाउ नाइन्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, 13 इंटू वन बाई थ्री, 13 को 13 बाई वन लिख लीजिए, यहां पे भी कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, थ्री की टेबल में 13 नहीं आता, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराइए, 13 वन जा 13, थ्री वन जा थ्री, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, थ्री से थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, रिमाइंडर आया वन, तो इसको लिख सकते हो आप रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, और जो क्वोशेंट में है वो आगे लिखते हैं, तो हो गया क्या फोर होल वन बाय थ्री। नाउ टेंथ पार्ट, टेंथ पार्ट में है फिफ्टीन इंटू थ्री बाई फाइव, सबसे पहले देखते हैं क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है, फाइव की टेबल में फिफ्टीन आता है, फाइव वन जा फाइव, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, अब कुछ भी नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराइए, थ्री थ्री जा नाइन, नीचे डिनोमिनेटर में वन है, वन वन जा वन होगा, डिनोमिनेटर में वन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो यही आपका सोल्यूशन है सारे क्वेश्चंस का। ये जो मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म होता है ये कैसे होता है, ये होता है क्वोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर,
यही फॉर्म में आपको सबको आंसर देना था, तो हमने दे दिया है आंसर, यही आपका सोल्यूशन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शेड नंबर 1/2 ऑफ द सर्कल इन अ बॉक्स ए, ये ए पार्ट है। सेकंड, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन बॉक्स बी, दिस इज बॉक्स बी। एंड थर्ड इज 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी, सी में कुछ स्क्वायर्स दिए गए हैं, इनको आपको शेड करना है, कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए, यही है बॉक्स ए, यहाँ पे बोल रहा है 1/2 ऑफ द सर्कल, 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए, तो मैं बॉक्स ए की ही बात कर रही हूँ। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखिए। सो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। द सर्कल, कितने सर्कल है बॉक्स ए में, तो देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सर्कल है, यहाँ लिख लीजिए 12 को डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करिए, 2 1 2 2 6 12 कितना आ जाएगा, 6 1 6 एंड डिवाइड बाय 1, सो सिर्फ 6 आएंगे। ओके, आपको इतना जो है शेड करना है, कितना शेड करना है, 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स है, और इसका आंसर क्या आया, 6 आया है, इसका मतलब आपको 6 सर्कल को शेड करना है, कर दीजिए 1 2, किसी आप 6 को कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं 3 4 5 6, 6 सर्कल को आपको शेड करना था। नाउ सेकंड इज क्या है, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन बॉक्स बी, बॉक्स बी ये है, इसके नीचे हम लिख लेते हैं, क्या कह रहा है, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन बॉक्स बी, हम इसी बॉक्स के नीचे लिख रहे हैं, तो इन बॉक्स बी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम यही सॉल्व कर रहे हैं। नाउ 2/3 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, कितने ट्राइंगल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस जो बॉक्स है, इस बॉक्स में 9 ट्राइंगल है, तो हमने उसको लिख लिया है, 9 को 9/1 लिख सकते हो, 3 1 3, 3 3 9, ये सिंप्लीफाई हो गया, मल्टीप्लाई कराइए 3 2 6, इसका ये मतलब है आपको 6 ट्राइंगल इसमें से शेड करना है, शेड करने को बोला है, चलिए शेड कर लेते हैं 6 ट्राइंगल, कोई सा भी 6 ट्राइंगल शेड कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 ट्राइंगल हमने शेड कर लिया। नाउ थर्ड इज 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी, बॉक्स सी में क्या बोल रहा है, 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स, चलिए 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कितने स्क्वायर है बॉक्स सी में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 लिख लीजिए, डिवाइड बाय 1 कर लीजिए, सिंप्लीफाई करिए, 5 1 5, 5 3 15 कितना आ जाएगा, 3 3 9, इसका मतलब आपको 9 स्क्वायर यहाँ पे शेड करने हैं, इसमें स्क्वायर्स दिए हैं ना, देखो लिखा है 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी, ये जो बॉक्स सी में स्क्वायर्स दिए गए हैं इनका आपको 3/5 निकालना है, तो मैंने 3/5 निकाल लिया है, जितने स्क्वायर्स हैं 9 आया, इन 9 स्क्वायर्स को आपको शेड करना है, तो कोई सा भी 9 आप कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, सो हमने शेड कर लिया, यही हमारा आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 1/2 ऑफ नंबर 1 24, नंबर 2 46, मतलब आपको 1/2 ऑफ 24 निकालना है, फिर 1/2 ऑफ 46 निकालना है, ये आपका ए पार्ट है। बी पार्ट में क्या है, 2/3 ऑफ नंबर 1 18, नंबर 2 27, मींस 2/3 ऑफ 18 निकालना है एंड 2/3 ऑफ 27 निकालना है। सी पार्ट, 3/4 ऑफ नंबर 1 16, नंबर 2 36, मींस 3/4 आप 3/4 ऑफ 16 निकालना है एंड 3/4 ऑफ 36 निकालना है। नंबर डी पार्ट, 4/5 ऑफ नंबर 1 20 एंड नंबर 2 35, मींस
4 बाई 5 ऑफ 20 आपको निकालना है एंड 4 बाई 5 ऑफ 35 निकालना है। चलिए सबसे पहले नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। नंबर ए का पहला लेते हैं, पहला क्या हो जाएगा 1 बाई 2 ऑफ 24, यही होगा ना, ए का पहला 1 बाई 2 ऑफ 24। ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई 24 बाई 1 लिख सकते हो। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दोनों 2 की टेबल से कट जाएंगे, 2 1 2 2 2 2 4, सो ये 12 हो जाएगा और डिवाइड में 1 आएगा, 1 हम लिख नहीं रहे, यही आपका आंसर है। अब ए का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ए का सेकेंड पार्ट क्या है, 1 बाई 2 ऑफ क्या 46, 1 बाई 2 ऑफ 46, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 बाई 2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 46 को 46 बाई 1 लिख सकते हो, 2 की टेबल से दोनों कटेंगे, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, क्या आंसर आएगा, 23 1 23, दिस इज योर आंसर। नाउ बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में क्या है, बी का पहला सबसे पहले सॉल्व करेंगे, 2 बाई 3 ऑफ 18, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 बाई 3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 18 को 18 बाई 1 लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करिए, 3 1 3 3 6 18, अब सिंप्लीफाई नहीं होगा, अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, 6 2 12, और डिनोमिनेटर में 1 है, 1 1 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब बी का सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट 2 बाई 3 ऑफ 27, चलिए सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 2 बाई 3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एंड 27, सो 27 को 27 बाई 1 लिख लीजिए, ये दोनों 3 की टेबल में कट रहे हैं, 3 1 जा 3 एंड 9 3 जा 27 या 3 9 जा 27, ओके, सो 9 2 जा 18, यही आपका आंसर आ गया, यहां पे लिख देती हूँ 9 2 जा 18। नाउ सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी पार्ट का सबसे पहले पहला सॉल्व करेंगे, क्या है 3 बाई 4 ऑफ 16, सो इसको लिख सकते हो 3 बाई 4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 16 को 16 बाई 1 लिख दिया है, अब सिंप्लीफाई करिए, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, डिवाइड में 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ सी का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, क्या है 3 बाई 4 ऑफ 36, यहां पे हो जाएगा 3 बाई 4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 36 को 36 बाई 1 लिख सकते हो, 4 की टेबल में 36 आता है, 4 9 जा 36, अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 9 3 जा 27, ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ डी पार्ट सॉल्व करते हैं। डी का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट 4 बाई 5 ऑफ 20, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 4 बाई 5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड 20 को 20 बाई 1 लिख सकते हो, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 1 जा 5 5 4 जा 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 जा 16 एंड डिनोमिनेटर में 1 आएगा, ओके, सो दिस इज योर आंसर। एंड डी का आप सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, क्या है सेकेंड पार्ट, 4 बाई 5 ऑफ 35, ये कैसे लिखेंगे इसको, 4 बाई 5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 35 को 35 बाई 1 लिख सकते हो, ये दोनों 5 की टेबल से कट रहे हैं, 5 1 जा 5 5 7 जा 35, अब ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करा लीजिए, हो जाएगा 7 4 जा 28, दिस इज योर आंसर। तो आपने सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है, यही आपका आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने पे जो आपको आंसर मिले उसको फिर आपको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, ओके, सो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 × 5 एंड 1/5, अभी ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, सबसे पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो 5 5 जा 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 5 जा 25, फिर इसमें ये ऐड कर दीजिए, जो भी आया उसमें ये ऐड हो जाता है, तो 25 में 1 ऐड करिए,
कितना आ जाएगा 26/5। नाउ अब इसको 3 को 3/1 लिख दीजिए, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है हो तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके आंसर लिखिए। यहाँ पे देखिए कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, 5 की टेबल में 26 नहीं आता है, 3 की टेबल में 5 नहीं आता है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का। तो 26 3 जा कितना होगा, 6 3 जा 18 कैरी आया, 1 3 2 जा 6 6 1 7 78 आएगा, 26 3 जा यहाँ लिख लेते हैं 78 डिनोमिनेटर में, 5 1 जा 5। अब आपको मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर लिखिए। 78 को 5 से डिवाइड करिए, क्या आएगा, 5 1 जा 5 2, नाउ 8 आ गया, 5 5 जा 25, क्या आया रिमाइंडर, रिमाइंडर आया आपका 3। तो आप इसको लिख सकते हो रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर 3/5, और ये जो क्वोशेंट में आया है ये आगे लिखा जाता है। ओके, सो दिस इज योर आंसर। नाउ बी पार्ट, बी पार्ट में है 6 and 3/4 है, ये 6 आगे है, ओके 6 whole 3/4 है, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है। सबसे पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 and 24 plus 3 क्या हो जाएगा, 27/4। अब इसमें कुछ सिंप्लीफाई हो रहा हो तो कर लीजिए, अदरवाइज मल्टीप्लाई, तो नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 27 को 5 से करिए, 7 5 जा 35 कैरी आया 3, 5 2 जा 10 10 3 13 ऊपर आ गया 135 डिनोमिनेटर में, 4 1 जा 4 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 135 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 3 जा 12 फिर यहां पे 5 4 3 जा 12 क्या आया रिमाइंडर 3। तो आप इसको लिख सकते हो रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर 3/4, और ये जो 33 क्वोशेंट में है ये आगे आ जाएगा, यही आपका आंसर है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, 33 × 4 करिए, 4 3 जा 12 4 3 जा 12 12 1 13 1 32 आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, फिर ये वाला ऐड हो जाता है, प्लस 3 कर दीजिए तो हो जाएगा 135, यही आपका आ रहा था 135/4। ओके, सो आपने क्रॉस चेक करके भी ये ऐसे पता कर लिया कि 135/4 को आप इस तरह लिख सकते हो। नाउ सी पार्ट क्या है, 7 × 2 2 and 1/4 ये मिक्स फ्रैक्शन में है, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 4 2 जा 8 8 1 9 9/4 आ गया। अब अगर सिंप्लीफाई हो रहा हो तो कर लीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, 9 7 जा 63 and 4 1 जा 4 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 4 1 जा 4 2 23 हो गया एंड 4 5 जा 20 रिमाइंडर आया 3, आंसर हो जाएगा रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर ये 3/4 एंड क्वोशेंट में क्या है 15। दिस इज योर आंसर। डी पार्ट सॉल्व करते हैं, 4 × 6 1/3। ओके, सो अभी ये मिक्स फ्रैक्शन में है, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 18 में 1 ऐड कर दीजिए, 19 19/3 आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई हो रहा हो तो करिए, अदरवाइज डायरेक्ट मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, 19 4 जा 76 / 3 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया, आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड कर दीजिए 3 से, 3 2 जा 6 1 आया और फिर यहाँ पे 6 आया 16 बन गया, 3 5 जा 15 रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर 1/3 एंड यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 25। दिस इज योर आंसर। नाउ ई पार्ट सॉल्व करते हैं, 3 1/4 × 6 ये मिक्स में है, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए, 4 3 जा 12 12 1 13 13/4 इसको लिख सकते हैं एंड यहाँ पे 6 है, 6 को डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं। अब क्या सिंप्लीफाई हो रहा है यहाँ पे, हाँ हो रहा है,
ये भी टू की टेबल से कटता है और ये भी टू की टेबल से कटता है, कैंसिल करिए, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स। अब कुछ भी नहीं कट रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराइए, थर्टीन थ्री जा 39 एंड डिवाइड में क्या है 2 है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स में कन्वर्ट करिए तो 39 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 वन जा 2, 1 आया, फिर 9, 2 9 जा 18, रिमाइंडर आया 1, तो इसका आंसर हो जाएगा रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर एंड यहाँ पे हो जाएगा कोशेंट। दिस इज योर आंसर। एफ पार्ट में क्या है, 3 एंड 2 बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 8, ये मिक्स है, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 5 3 जा 15, 15 टू 17 बाई 5 इंटू 8, 8 को 8 बाई 1 लिख सकते हैं, अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो करिए, अदरवाइज डायरेक्ट मल्टीप्लाई, यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराते हैं, 17 8 जा 136 एंड डिवाइड बाई 5। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है, इसको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं, 136 को 5 से डिवाइड करिए, 5 टू जा 10, कैरी आया 3, नाउ 36 बन गया, 5 7 जा 35, क्या आया रिमाइंडर 1 आया, तो आप इसको लिख सकते हो रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर एंड कोशेंट में क्या आएगा 27। अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है गलत, तो क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए 5 इंटू 27, फिर जो आए उसमें प्लस 1 करिए, ये ऊपर वाला ऐड हो जाता है प्लस 1 एंड डिवाइड बाई क्या आएगा, डिवाइड बाई 5 आएगा। चलिए करते हैं ऊपर का, अगर आपको मल्टीप्लाई और प्लस दो साइन दिख रहे हैं तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बॉडमॉस के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको पहले सॉल्व करना है, 5 7 जा 35, कैरी आया 3, 5 2 जा 10, 10 3 13, 135 प्लस 1 डिवाइड बाय 5, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा 136 बाय 5। देखिए ये आपका आंसर आ रहा है ना, तो आप लोग ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड नंबर ए 1 बाय 2 ऑफ 2 एंड 3 बाय 4, नंबर 2 4 एंड 2 बाय 9। इसका मतलब है आपको 1 बाय 2 ऑफ 2 एंड 3 बाय 4 एक बार निकालना है, देन 1 बाई 2 ऑफ 4 एंड 2 बाई 9 निकालना है। बी पार्ट है 5 बाई 8 ऑफ नंबर 1 3 एंड 5 बाई 6, नंबर 2 9 एंड 2 बाई 3। मीन्स आपको 5 बाई 8 ऑफ 3 एंड 5 बाई 6 निकालना है, देन 5 बाई 8 ऑफ 9 एंड 2 बाई 3 निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं, नंबर ए का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, क्या होगा 1 बाई 2 ऑफ ये 2 एंड 3 बाई 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1 बाई 2 ऑफ ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए, 4 2 जा 8 और 8 3 11 बाय 4। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा हो तो कर लीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट मल्टीप्लाई। कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, 11 1 जा 11, 4 2 जा 8। अभी जो आंसर आया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है, कभी भी आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आए तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर देना। चलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 8 1 जा 8, रिमाइंडर आया 3, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर एंड कोशेंट क्या है 1, यही इसका आंसर होगा मिक्स फ्रैक्शन में। नाउ ए पार्ट का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, क्या है सेकेंड पार्ट, 1 बाई 2 ऑफ 4 एंड 2 बाई 9। चलिए करते हैं, 1 बाई 2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए, 9 4 जा 36, 36 में 2 ऐड करिए, 38 बाई 9। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा हो तो करिए, हाँ हो रहा है, ये 2 की टेबल से कट जाएगा 2 और 2 की टेबल से 38 भी कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे 3 था, कैरी आया 1, बन गया 18, 2 9 जा 18। अब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराइए, 19 1 जा 19 एंड 9 1 जा 9। अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको चलिए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 9 2 जा 18, कैरी आया 1, रिमाइंडर आया 1। ओके, सो
ये हो जाएगा रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, मतलब 1/9 और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आगे आ जाता है, 2 आगे आ जाएगा, यही आपका आंसर है। अब बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट का सबसे पहले नंबर 1 क्या है, 5/8 ऑफ 3 and 5/6, ये हो जाएगा 5/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इस ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 6 3 18, 18 में 5 ऐड करिए कितना हो जाएगा 23 23/6 को सिंप्लीफाई यहाँ पे नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराइए, 23 5 जा करना है, 5 3 जा 15 कैरी आया, 1 5 2 जा 10 10 1 11, 115 and 8 6 जा 48, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो 115 को 48 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितनी बार जाएगा 2 times जाएगा, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 8 2 जा 16 कैरी आया, 1 4 2 जा 8 8 1 9, 96 आया, 2 बार ले जाइए 96 आएगा, 15 में से 6 गया कितना आएगा 9, एंड यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा 10 क्योंकि ये कैरी चला गया था, तो यहां बचा 10 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया 1, यहां बचा 19, तो आप इसको लिख सकते हो रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, रिमाइंडर है 19, डिवाइजर है 48 एंड क्वोशेंट क्या है 2, यही आपका आंसर होगा मिक्स फ्रैक्शन में। अब बी पार्ट सॉल्व करेंगे, सेकेंड पार्ट बी का, बी का सेकेंड पार्ट क्या है, ये 5/8 ऑफ 9 and 2/3 को सॉल्व करते हैं, 5/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दीजिए, 9 3 जा 27, 27 में 2 ऐड करिए 29/3 को सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराइए, 9 5 जा 45 कैरी आया, 4 5 2 जा 10 10 4 14, ऊपर आ गया 145 एंड नीचे 8 3 जा 24, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है, तो 145 को 24 से डिवाइड करिए, क्या आंसर आएगा, कितनी बार जाएगा ये, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 6 बार ले जाइए सबसे पहले, 4 6 4 जा 24 कैरी आया, 2 6 2 जा 12, 12 2 14, तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 24 6 जा 144, रिमाइंडर आ गया 1, तो ये हो जाता है रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, 1/24 एंड क्वेश्चन में क्या है 6, यही आपका आंसर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक, विद्या और प्रताप पिकनिक के लिए गए हैं, गए थे, देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर, उनकी मदर ने उन्हें एक वाटर बॉटल दिया था जिसमें 5 लीटर पानी आया था, उस वाटर बॉटल में 5 लीटर पानी कंटेन हुआ था, ओके, विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, विद्या ने 2/5 ऑफ वाटर कंज्यूम किया, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, और जो रिमेनिंग वाटर था विद्या को पीने के बाद जो रिमेनिंग वाटर था उसको प्रताप ने कंज्यूम किया। पहला पार्ट इसमें पूछ रहा है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना वाटर ड्रिंक किया। सेकेंड है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, इसमें फ्रैक्शन में बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, प्रताप ने कितना फ्रैक्शन वाटर कंज्यूम किया है टोटल क्वांटिटी का। सो हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, सबसे पहले लिखिए वाटर बॉटल कंटेन्ड 5 लीटर ऑफ वाटर, ये आपको गिवन है कि उस वाटर बॉटल में 5 लीटर पानी आया था, सो उसका 2/5 विद्या ने कंज्यूम किया, सो विद्या ने कितना कंज्यूम किया, विद्या कंज्यूम वाटर कितना कंज्यूम किया था विद्या ने, तो इसने कंज्यूम किया था 2/5 ऑफ द वाटर, 2/5 ऑफ द वाटर का मतलब 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कितना वाटर था 5 लीटर,
फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा, फाइव वन जा फाइव, फाइव वन जा फाइव, क्या आएगा टू वन जा टू, मीन्स 2 लीटर पानी विद्या ने कंज्यूम किया था। यही आपको पूछ रहा है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, तो आप लोग इसका क्या आंसर दोगे, 2 लीटर, 2 लीटर वाटर विद्या ड्रिंक। ओके सो ये तो आपके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, इसमें बताना है कि किस फ्रैक्शन में प्रताप ने वाटर ड्रिंक किया है टोटल क्वांटिटी का। यहाँ पे एक आपको फ्रैक्शन पता है विद्या का, विद्या ने 2/5 पाइप कंज्यूम किया है। सो यहाँ पे बॉटल कितना था, बॉटल एक था, तो यहाँ पे आप लिखिए लेट द बॉटल बी वन, वन ही बॉटल दिया था, मैंने लेट कर लिया है कि बॉटल वन है। सो विद्या ने कितना कंज्यूम किया था, विद्या कंज्यूम वाटर इन फ्रैक्शन, अगर मैं फ्रैक्शन में बोलूं विद्या ने कितना कंज्यूम किया था तो उसने किया था 2/5। ओके सो फ्रैक्शन में अगर मैं बोलूं कि प्रताप ने कितना कंज्यूम किया तो लिखिए प्रताप कंज्यूम वाटर इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में ही पूछ रहा है तो मैं यहां पे फ्रैक्शन लिख दे रही हूं। देखिए टोटल क्वांटिटी थी 1, विद्या ने कंज्यूम किया 2/5, तो प्रताप कितना कंज्यूम करेगा, पूरे में से इसको माइनस कर दीजिए, टोटल क्वांटिटी 1 है, 1 में से इसको माइनस करिए, 1 - 2/5, 1 को 1/1 लिख सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 और 5 का एलसीएम आएगा 5, 1 की टेबल कितनी बार पढ़ोगे 5 आएगा, तो 1 को 5 बार पढ़ोगे तो 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 5 1 = 5, माइनस यहाँ पे 5 की टेबल कितनी बार पढ़ोगे 5 आएगा 1 बार, 5 1 = 5, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करा दीजिए, 1 2 = 2, सो 5 में से 2 गया 3/5। इसका मतलब है प्रताप ने टोटल क्वांटिटी का 3 पार्ट पिया। ठीक है, यही पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, तो प्रताप ने 3/5 पार्ट पानी पिया है। ओके होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।